मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ बालोद जिला ग्राम दनिया। कौन कौन है आपके घर में? बेटा चार नथनी ने पोता। पोता है? पोता छोटा है। एक बेटा है? हाँ, और पोतियां चार हैं? हाँ। चार पोतियां हैं और बेटी आपकी? मेरे बेटी चार है। बेटी चार है? हाँ। और बेटा एक? हाँ। तो एक बेटा है, फिर सेवा नहीं कर रहा क्या? नहीं बेटा, नहीं करा सेवा। बेटी लोग को भी बहू खत्म हो गया कैंसर में, तो जैसी बहू खत्म हुए 10 साल हो गया पति को खत्म हुए, अब मुझे यहाँ आने 5 साल हो गए और बहू को 6वां साल हो गए खत्म हुए। तो आपके बेटे की बहू खत्म हो गई? हाँ जी। तो फिर बेटा अकेला है अब? हाँ बेटी बेटा अपन अपने बेटी बेटा के साथ है, तो जैसे बहू मरा वैसी दंड देने लगा। मैं अकेला तो खाती हूँ, पति ने मारा तो एक कुटिया दिया है छोटे के कमरा, उसी में रहते थे। ठीक हमारे तरफ गैस वैस नहीं है, चूल्हा लकड़ी छेना कंडा से हम आगे जलाते थे, वही बरत आगे को मेरे लिए खाना बनाते थे, तो भूंजने लगे। तो सरपंच के घर 2 घर के आगे है, तो दौड़ते उसके घर गए तो मुझे बचा उसके। मतलब चूल्हे की आग जलती हुई लकड़ी से आपको मारा? हाँ, बेटे हाँ, ने। तो मैं दौड़ते सरपंच के घर गए, 3 घर के आगे है सरपंच के घर। फिर क्या हुआ? फिर सरपंच ने कुछ समझाया तो ना माने, फिर वही दुख सजा, पानी वानी ना दिया घर से। मेरे पति ने भी गलत काम किए, 14 एकड़ खेत 3 मंजिल के मकान को पूरा उसके नाम में कब लिखा मुझे मालूम नहीं पड़ा। बेटे को दे दिया सब? हाँ, मेरे कुछ नहीं है, तो मुझे पता नहीं। जब बेटी दमान मनाए, एक ही बेटा को पैदा करे हो दाऊ जी, और बेटी को पैदा नहीं करे हो, का हो गया भाई ऐसे बोले हो तब बताइए। सब को लिख दिया। तो बेटी ने सारा धन ले लिया? बेटी नहीं लिया, बेटा को दे दिया है, बेटी का नाम नहीं रखा ना मेरा नाम नहीं रखा। बेटे ने सारा धन ले लिया? हाँ। और आपको मारता है? हाँ, सब को करते। तो हम उनका दुख देखकर हम वर्णन नहीं कर सकन कर बोली बचन में गुरुदेव। तो बेटियों ने आपको नहीं रखा? बेटियों को क्या कहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ बेटा। इसके घर जाओगे, इसको बुलाओगे तो मेरे घर आना मत, और उसके घर जाओगे तो मेरे घर आना मत, ये घर मेरा है, वो घर मेरा है। मतलब बेटे ने सारी हाँ, बहनों को बोला? सब बहनों को, और बहन लोग छोटे छोटे वर्ग में दे हूँ बेटा। तो आधा रात में वो मांगती है पैसा, भैया जी हमारे लिए इतना पैसा भेज दो, ये व्यवस्था है 40,000-25,000। स्कूल का प्रिंसिपल है बेटा। अच्छा, आपका बेटा प्रिंसिपल? हाँ, है। स्कूल का पैसे वाला है? पैसा वाले है, 14 एकड़ खेत है। इसलिए ना बेटी लोग हमको कहा, माँ तू 2 दिन के साथी हो, भाई रहेगा तो हमारा पुत भतीज काम देगा, भाई ऐसी ऐसी बोल रहा है तो हम तुमको छोड़ रहे हैं। माँ कहते छोड़ दो बेटी, तुम तो खाओ कमाओ सुखी अंजल। तो बेटियों ने साथ इसलिए छोड़ दिया कि भैया ने धमकी दे दी कि माँ को देखो, एक तो खुद सेवा नहीं कर रहा अपनी माँ की, और बेटियां रखें तो उसको भी मना कर दिया कि तुम लोग भी मत रखना अपनी इस माँ को। अब बताओ कैसा जल्लाद है ये, और पढ़ा लिखा भी है, देखो सरकारी नौकरी भी और अच्छा पैसा है, तो देखो पैसे के बल पे अपनी माँ को ही सता रहा है। अब माँ 5 साल से यहाँ है, बेटे का फोन ऑन आया कभी? बेटे का? बेटी का नहीं आते ना बेटा, नहीं आते, वहाँ तो घरे में बात नहीं कर रहे थे बेटा। एक बड़े बेटी यहीं आए थे, सुन रहा हूँ, कोई कोई बता रहे, मेरे से नहीं मिला। अच्छा, बेटी ने बात नहीं की ना, यहाँ ही तो मिली भी नहीं आपसे? हाँ, तो भी नहीं मिला, यहाँ आए थे बड़े बेटी आए थे, कई बता रहे हैं कोई कोई, तो हमारे मतलब बेटी वृंदावन आई थी तो गौरी गोपाल आके आपसे मिली नहीं? हाँ हाँ, ना मिली बेटा। देखो ये स्थितियां हैं, सगे अपने खून इन माओ की सेवा करने को तैयार नहीं, जलती लकड़ी से मारता अपनी माँ को।
बेटा तब माँ यहाँ 5 वर्षों से है। मैया यहाँ आपको कोई कष्ट कमी दिक्कत? कोई कष्ट नहीं है बेटा, अपने घर में तो खटिया से सो रहे थे, का कथरी बोलते हैं हमारे देहात में उसी को जठा, यहाँ तो गद्दा दीवान मखमल का रजाई ओढ़ रहे हैं बेटा, सब चीज स्वेटर साल गर्म पानी में रहा, पीने के हमार स्वास्थ्य ठीक नहीं, पीने का गर्म पानी, नहाने का गर्म पानी, सब व्यवस्था ऐसी बेटा सबको दे संसार धन्यवाद हो जाए बेटा। और मेरे बेटा जैसे किसी को दुश्मन होगा उसको मेरे जैसे बेटा को जन्म दे, जन दे चाटी मिर्गा को जन दे ऐसी बेटा जन्म, इतना मैं दुख में वर्णन नहीं कर सकूं अगर बोली बेटा, इतना भक्ति इतना करती इतना मैं सहन नहीं कर सकूं, मैं क्या बताऊं, ये 10 बार हो गए कहने। कहते हैं माँ ने कहा कि इनका जो बेटा है, माँ कह रही है कैसा बेटा किसी को ना हो, सोचो इतना सताया होगा ना उस बेटे ने इस माँ को, तब ना ये माँ ऐसा कहने पर मजबूर है। इसलिए अपने माँ को अपने अपनों को ना सताइए, किसी को ना सताइए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने बेसहारा माँ को सोचिए, जिनके अपने औलाद बेटियां भी कह रही हैं कि माँ भाई तो काम आएगा, तुम तो जरा दिन में मर जाओगी, ये है बेटियों की भी स्थितियां, जिस तरफ पैसा होता है ना उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है, जिस तरफ पैसा नहीं होता उस तरफ पलड़ा। इसलिए इन बेसहारा माओ के लिए भगवान ने धरती पर ये दास अनिरुद्ध को भेजा, जाओ तुम इन माओ की सेवा करो। मैया आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए ना हमने यहाँ? कुछ नहीं लिए हो बेटा, कुछ नहीं दिए हैं। आपसे बस इतनी प्रार्थना, आप भी इन माओ को रोटी दें। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो 290 माए हैं, आप भी इन माओ के बेटा बेटी बनकर, आपके इनके अपनों ने तो ठुकरा दिया, आप सेवा करिए इन माओ की, आप इन माओ के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करिए, एक माँ को गोद लीजिए आप। इस अब बताइए इन माओ की सेवा से बड़ा कोई पुण्य है इस धरती पर? अब बताओ ये जरूरतमंद माँ है कि नहीं? ये दर दर की ठोकर, अब बेटी और बेटा कोई रखने को तैयार नहीं, जब सगी औलाद नहीं रखी तो समाज में कौन रखेगा, कौन रोटी देगा, कौन बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए कहता हूं आप सबके जरा जरा सहयोग से इन माओ को सहारा मिलता है गौरी गोपाल में, तो आप गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़े रहिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं हैं, 290 से ज्यादा वृद्ध माएं, आप इन माओ के लिए जो बनने जा रहा माओ का घर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जो माओ का घर है, उस आश्रम के निर्माण में भी आप इन माओ की सेवा में भी आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। ये देखो ये माओ के लिए जो घर बन रहा है, इनमें ये माएं रहती हैं, इन माओ की सेवा से आप जुड़ेंगे तो कितना अच्छा होगा आपके लिए, कितनी दुआएं आपको मिलेंगी। इसलिए आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इन वृद्ध माओं के लिए जो आश्रम बन रहा, एक कमरा बनाकर, कमरे की छत डलवाकर, फिनिशिंग का थोड़ा सा साथ देकर, एक माँ का सहारा बनकर, बेटी बेटा बनकर जुड़िएगा। एक माँ को आप गोद लीजिए, किसी बेसहारा माँ को सहारा दीजिए। जिनको अपनों ने सहारा नहीं दिया, साथ नहीं दिया, उन्हें आप सहारा दीजिए। मैया से आज बात करेंगे, कैसी माँ, जो माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, ये माँ, इनका एक बेटा है, 4 बेटियां हैं, जिस माँ ने बेटे की मालिश कर करके उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उसी बेटे ने अपनी माँ को बुढ़ापे में घर से बाहर कर दिया। ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माओ को जब आपके सहारा मिलता है आपसे, तो इन माओ को होठों पे मुस्कान आती है। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओ को रोटी मिलती है, रहने को छाया मिलती है, और आप लोग सहयोग करते हैं तो आपको इन माओ की दुआएं और आशीर्वाद मिलता है।